क्या आप जानते हैं कि बेन 10, जो कभी पॉप कल्चर का एक बड़ा हिस्सा था, उसकी लोकप्रियता पिछले कुछ सालों में कितनी गिर गई है? ये सच है। एक समय में जहां यह एक जरूरी देखने वाला शो था, आजकल यह किसी के भी ध्यान में नहीं आता। इस बदलाव के पीछे एक चौंकाने वाली कहानी छुपी हुई है, जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए बात करते हैं बेन 10 की असफलता के बारे में। ये शो कभी एनिमेटेड दुनिया का राजा था, जहां बच्चे ओमनी ट्रिक्स और उसकी अंतहीन संभावनाओं के दीवाने थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ? कैसे यह एक शक्तिशाली शो से अपने पुराने स्वरूप की छाया मात्र बन गया? साथ बने रहिए, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अच्छा, अब बात करते हैं उन समस्याओं की जो बेन 10 की गिरती लोकप्रियता के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले, कहानी कहने के तरीके में बड़े बदलाव आए। शुरू में प्लॉट बहुत दिलचस्प था, जिसमें समझदारी भरा कैरेक्टर डेवलपमेंट और रोमांचक एडवेंचर थे। लेकिन समय के साथ ऐसा लगा कि क्रिएटर्स ने अपनी दिशा खो दी। कहानियां दोहराव वाली हो गईं, जिनमें वो गहराई और क्रिएटिविटी नहीं रही जो शुरू में दर्शकों को जोड़े रखती थी। फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें, या कहें उसकी कमी की। बेन, ग्वेन और केविन जैसे किरदारों के पास बढ़ने और जटिल होने की बहुत संभावनाएं थीं, लेकिन समय के साथ वे एकतरफा और पूर्वानुमान योग्य बन गए। इस बदलाव ने लंबे समय के प्रशंसकों को अलग कर दिया, जो सिर्फ मॉन्स्टर बैटल से ज्यादा चाहते थे, और दर्शकों की भागीदारी को भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे जैसे शो नए दर्शकों के साथ जुड़ने में नाकाम रहा, प्रशंसकों की संख्या कम होने लगी और लोग सोचने लगे कि वो महाकाव्य यात्रा जो हम सभी को पसंद थी, कहां चली गई। अब जरा थोड़ा गहराई में जाते हैं। बेन 10 के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था शो के फॉर्मेट का बदलना। याद है जब हर एपिसोड में एक अनोखा एडवेंचर और मजबूत कहानी होती थी? बाद के सीजन में ध्यान ज्यादा खिलौनों और मर्चेंडाइज की बिक्री पर शिफ्ट हो गया। इस बदलाव से यह दिखने लगा कि क्रिएटर्स एक शानदार कहानी कहने की बजाय प्रोडक्ट बेचने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, और हम प्रतियोगिता को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अन्य एनिमेटेड शो भी तब उभर रहे थे जो उसी दर्शकों का ध्यान खींच रहे थे। टीन टाइटंस गो और एडवेंचर टाइम जैसे शोज नए आइडियाज और ह्यूमर के साथ आए, जिससे बेन 10 पीछे रह गया। इसके अलावा लक्ष्य दर्शकों की प्राथमिकताएं भी बदलने लगीं। जो पहले एक व्यापक उम्र के बच्चों को आकर्षित करता था, अब वह उन शोज से छाया हुआ था जो कम उम्र के दर्शकों के साथ ज्यादा जुड़ रहे थे। यहां वह महत्वपूर्ण पल आता है जिसने फ्रेंचाइजी को वास्तव में प्रभावित किया। 2016 में बेन 10 का रिब्यूट रिलीज किया गया, जिसका उद्देश्य सीरीज को फिर से जीवंत करना था। लेकिन जादू को फिर से जगाने के बजाय इसने प्रशंसकों को और ज्यादा बांट दिया। कई लोगों को लगा कि नई सीरीज उस सार को नहीं पकड़ पाई जो असली शो को इतना महान बनाता था। एनिमेशन स्टाइल बदल गया, ह्यूमर अलग था और किरदारों की केमिस्ट्री भी अजीब लग रही थी। इस फैसले ने मौजूदा प्रशंसकों का एक बड़ा हिस्सा अलग कर दिया और नए दर्शकों को आकर्षित करने के लिए भी काफी नहीं था। यह एक निर्णायक क्षण था जिसने बेन 10 की लोकप्रियता के पतन को चिन्हित किया। तो सब कुछ मिलाकर कहें, बेन 10 की असफलता के कारण थे खराब कहानी कहने के विकल्प, कैरेक्टर डेवलपमेंट की कमी, दर्शकों की भागीदारी में बदलाव और वह असफल रिब्यूट जो प्रशंसकों के साथ जुड़ नहीं पाया। यह एक क्लासिक उदाहरण है एक प्रिय शो के अपना रास्ता भटकने का और एनिमेटेड टेलीविजन के बदलते परिदृश्य में ढलने में असफल होने का। अब आपकी बारी। आप क्या सोचते हैं बेन 10 की गिरावट के बारे में? क्या आपको लगता है कि रिब्यूट को अलग तरीके से संभाला जा सकता था? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आप बेन 10 के बेस्ट एंड्रॉइड गेम्स की तलाश कर रहे हैं तो दाईं तरफ वाले वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप पीसी के टॉप हाई ग्राफिक्स गेम्स देखना चाहते हैं तो बाईं तरफ वाले वीडियो पर क्लिक करें।